नमस्कार, मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी की प्राइम डिबेट। उत्तर प्रदेश राजनीतिक परिपेक्ष से वो प्रदेश है साथियों, जहां के नतीजे कई अन्य प्रदेशों के साथ साथ अन्य राज्यों पर भी अपनी छाप छोड़ते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का चुनाव किसी एक राज्य का चुनाव नहीं, पूरे देश के चुनाव के बराबर का चुनाव होता है। अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं। ऐसे में जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनके बीच रस्साकशी का जो माहौल है वो शुरू हो गया है। लेकिन इस बार का चुनाव काफी अहम इसलिए भी होना है क्योंकि जो छोटे दल हैं उन्होंने बड़ी भूमिका निभाने की बात कही है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत ही अहम और दिलचस्प मुद्दा है, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए और कुछ बयान सुनिए। देश में बड़े दल अपने की काटे दुरुस्त कर रहे हैं तो छोटे दल भी इन चुनावों में अपनी जगह तलाशने का दम भर रहे हैं। कोई स्थानीय जाति समीकरण के बूते मैदान में उतर रहा है तो कोई विरोधियों को महज सबक सिखाने की मंशा से कूद पड़ा। यही वजह है कि बीते विधानसभा चुनाव में एक ओर जहां पंजीकृत छोटे दलों की संख्या 112 थी, वहीं अब तक वह 178 पर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में सियासी संग्राम को लेकर हलचल तेज दिखाई देने लगी है। दलों में आपसी सियासी जोड़ तोड़ का जोर दिखाई देने लगा है। इसी बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव की बातें अपनी ओर ध्यान खींचती है। अभी हाल ही में उन्होंने छोटे दलों पर भरोसा जताया है। मुस्लिम यादव समीकरण के जरिए सपा कई बार सत्ता के सिंहासन तक पहुंचती रही है। यूपी में मुस्लिम करीब 20% तो यादव करीब 10%, दोनों को जोड़ दें तो ये वोट बैंक 30% का होता है। यही समाजवादी पार्टी की ताकत रही है। यूपी में समाजवादी पार्टी को मुसलमानों को पहली पसंद माना जाता है। समाजवादी पार्टी ने पिछले उपचुनावों में राष्ट्रीय लोकदल के लिए एक सीट छोड़ी थी और ये संकेत है कि आगे भी वह रालोद से तालमेल कर सकती है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में असर दिखाने वाली महान दल के नेता केशव देव अखिलेश यादव के साथ दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जनवादी पार्टी के संजय चौहान सपा के चुनाव चिन्ह पर चंदौली में चुनाव लड़कर हार चुके हैं और वह भी अखिलेश यादव के साथ सक्रिय है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले अपनी मजबूती साबित करने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी प्रभावी दलों को भी गठबंधन की जरूरत महसूस होने लगी है। चूंकि इस राज्य में छोटे छोटे कई दल जातियों की बुनियाद पर ही अस्तित्व में आए हैं, इसलिए उनका समर्थन फायदेमंद हो सकता है। पूरा उत्तर प्रदेश आज समाजवादी पार्टी के साथ है और कोई भी छोटे दल जो है वो अगर साथ आके लड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि वो सबको साथ लेकर के चलेंगे, लेकिन अदरवाइज उनके लड़ने से, उनके सीट की घोषणा करने से समाजवादी पार्टी पे या उत्तर प्रदेश की राजनीति पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी का कुशासन जो रहा है, इनकी निकम्मी व नाकारा सरकार को जन जन तक पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है और इन फिरकापरस्त ताकतों को आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उखाड़ फेंकने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी सभी छोटे दलों को अपने साथ लेकर के चलना चाहती है और वही सबका साथ और सबका विकास के मंत्र पर काम करना चाहती है। और 2022 या 2024 या आगामी कोई भी चुनाव हो, सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो, सबकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। दूसरी तरफ छोटे दल भी गोलाबंदी करके बड़ी पार्टियों के खिलाफ लामबंद दिखाई दे रहे हैं। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 8 पार्टियों के साथ मिलकर एक गठबंधन कर लिया है। छोटे दलों वाले इस मोर्चे में कुल 8 दल शामिल हो चुके हैं। ओवैसी पिछड़े वर्ग में मजबूत पैठ रखने वाले इस मोर्चे का फायदा बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी उठाना चाहते हैं। असल में बिहार में AIMIM को 5 सीटें मिलने में वहाँ छोटे दलों के बने गठबंधन की अहम भूमिका रही, जिसमें ओम प्रकाश राजभर भी शामिल थे। इस रणनीति के तहत ओवैसी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर खास नजर है।
सूत्र बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी इस बार नए प्रयोग की तैयारी में है और वह भी छोटे दलों के साथ समझौता कर सकती है। वहीं दूसरी ओर अपने आधार वोट बैंक को फिर से पाने की ख्वाहिश में दिख रही बसपा भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करके ब्राह्मणों को रिझाने में लगी हुई है। हाल ही में पार्टी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने यह ऐलान किया है कि बसपा का किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा, उसका सिर्फ जनता के साथ गठबंधन होगा। अगर 2012 के विधानसभा चुनाव पर गौर करें तो उस समय भी कई छोटे दलों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उन्हें कुछ सीटें भी मिली, लेकिन अगले चुनाव तक या तो उनका किसी दल में विलय हो गया या जनाधार कमजोर हो गया। लेकिन देखना ये होगा कि क्या इस बार भी छोटी पार्टियों का हाल बुरा होगा या फिर वो किंग मेकर की भूमिका में नजर आएंगे। स्पेशल डेस्क प्राइम टीवी। आपके हितों को हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो देखा साथियों, कैसे उत्तर प्रदेश में जो चुनाव की तैयारी है वो चल रही है और उसके अलावा जो पार्टियां हैं वो लगातार अपना अपना जो वोट बैंक है, अपना अपना जो गणित है, अपनी अपनी जो गोटियां हैं वो सेट करने में लग गई हैं। लेकिन इन सबके बीच में जो छोटे दल हैं वो सबसे अहम इसलिए कहे जाते हैं या कहे जा रहे हैं क्योंकि ये छोटे दल वो हैं जो लगातार जात के नाम पर पार्टियां बनाते हैं, जो लगातार क्षेत्र के नाम पर पार्टियां बनाते हैं, जो लगातार वर्ग की बात करते हैं, जो लगातार उनकी बात करते हैं जिनके बीच वो रहते हैं और कहते हैं कि हम आम जनता के बीच में, हम मिट्टी से जुड़े लोगों के बीच में रहते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, जो कि कहीं ना कहीं जो स्टेट की बड़ी पार्टीज हैं या फिर सेंट्रल की बड़ी पार्टीज हैं वो नहीं कर पाती हैं। और इसी का फायदा जो है कहीं ना कहीं ये जो छोटे दल हैं इनको मिलता हमेशा से आया है। इस बार ये छोटे दल कितनी अहम भूमिका निभाएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी जो तैयारियां इन छोटे दलों की है वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल बड़ी पार्टियों के सामने खड़ा कर रही हैं। बीजेपी की अगर बात करी जाए तो बीजेपी के साथ अपना दल पहले से ही रहा है, पिछले चुनाव में भी था, 9 विधायक अपना दल के बीजेपी के साथ उस समय थे जब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी और उसके बाद निषाद पार्टी का भी उनको साथ है। हालांकि कभी कभी निषाद पार्टी नाराज हो जाती है, संजय निषाद की कुछ मांगे हैं जो पूरी नहीं हो रही है और उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं नाराज होते हुए दिखाई देते हैं। वो कहां जाएंगे कहां नहीं जाएंगे, अगर उन्हें हां में लिया जाए या ना में लिया जाए, ये अभी उस पर एक बड़ा सवाल, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो बना हुआ है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, क्योंकि एक प्रमुख पार्टी इस वक्त उत्तर प्रदेश में वो है विपक्ष की, और इस दौरान उनके पास एक बड़ा, जो अगर हम बताएं बड़े जो छोटे छोटे दल हैं उनका एक बड़ा गठबंधन उनके साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहा है, जिसमें आरएलडी है, एसबीएसपी सुभाषपा की भी बात कही जा रही कि वो भी साथ जा सकते हैं। निषाद पार्टी अगर बीजेपी से नाराज होती है तो कहीं ना कहीं वो सपा में भी जाएगी या फिर क्या करेगी, इस पर भी सवाल बना हुआ है। महान दल उनके साथ है, भीम आर्मी की भी बात कही जा रही, क्योंकि पश्चिम में जब जो जिला पंचायत के चुनाव हुए थे वहां पर भीम आर्मी ने बहुत बड़ा अपना वोट बैंक जो है वो स्थापित किया था और एक अच्छी लड़ाई उन्होंने दी थी, तो क्या उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में वो सपा के साथ आएगी या अकेले लड़ेगी। इसके अलावा AIMIM, क्योंकि बिहार में जिस तरह से देखा गया कि असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी भूमिका निभाई है, तो उत्तर प्रदेश में वो क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश में वो आ रहे हैं, वो दौरे करेंगे और उससे उनको कितना फायदा मिलेगा ये देखना होगा। और सबसे अहम बात है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जहां पहले एसबीएसपी के राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की, उसके बाद अखिलेश यादव से मुलाकात की, शिवपाल यादव से भी उनकी बातचीत जो थी वो लगभग चल रही थी, लेकिन इस दौरान उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो अकेले पूरा चुनाव लड़ने वाले हैं 403 पर। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, बहुत ही दिलचस्प और गंभीर विषय है ये, क्योंकि राजनीति आने वाले दिनों में 2022 की क्या होगी ये देखना होगा। और इस पर आज अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। रामनिवास यादव जी बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ हैं, सुभाषपा से दयाराम भार्गव हैं जो कि पार्टी के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे मनोज यादव, इस वक्त वो हमारे साथ जुड़े हैं, और विश्लेषक के तौर पर सुभाष यादव जी हमारे साथ इस वक्त हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की डिबेट में। सबसे पहले दयाराम भार्गव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि छोटे दलों की बात हो रही है, आज हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं और बहुत अहम दल है आपका भाई। आप उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी थी, बीजेपी की सरकार बनी थी, उस दौरान आप सरकार में थे, ओपी
राजभर उस वक्त मंत्री थे, आप नाराज हुए, आप अलग हो गए, अभी का क्या माहौल है? क्योंकि आप बीजेपी के नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं, आपकी बात सपा में भी चल रही है, आपकी बात अन्य दलों में भी चल रही है, और आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमने इतना दल अपना मजबूत कर लिया है कि हम अकेले लड़ सकते हैं, तो अकेले लड़िए भाई, आप जगह जगह क्यों जा रहे हैं, क्या तैयारी है आपकी? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी ने एक मोर्चा बनाया है भागीदारी संकल्प मोर्चा। इसमें 10 दल है, 10 दलों के नेता है। भागीदारी संकल्प मोर्चा में बाबू सिंह कुशवाहा है, पार्टी है जन अधिकार पार्टी, असदुद्दीन उवैसी है, AMI है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी है, सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी, श्रीमती कृष्णा पटेल अपना दल कमेरावादी, बाबूराम पाल है राष्ट्रोदय पार्टी, अनिल चौहान है राष्ट्रीय जनता क्रांति पार्टी, प्रेमचंद प्रजापति है भागीदारी पार्टी, राम केवट बिंद है भारतीय मानव समाज पार्टी, रामकरण कश्यप है भारतीय वंचित समाज पार्टी, और राजकुमार सैनी है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी। ये 10 दलों के नेताओं ने यह संकल्प लिया है उत्तर प्रदेश में भारतीय झूठ पार्टी यानी झूठ बोलने वाली गुमराह करने वाली भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के उखाड़ करके जमुना जी गंगा जी में इनको परवाने का काम ये पार्टियां करें। लेकिन अकेले सबसे बड़ी बात हम आपको बताते हैं, लेकिन अकेले नहीं कर पाएंगे। भारतीय समाज पार्टी, दयाराम जी आपने बताया 10 लोगों का साथ है आपके साथ, लेकिन अभी भी किसी बड़ी पार्टी का साथ आप ढूंढ रहे हैं, क्यों? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के आदरणीय नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा हम उसके साथ गठबंधन करेंगे, वो हमारे साथ आवे। आप अगर अकेले बार बार इसको और किया गया, चाहे वो सपा हो बसपा हो कांग्रेस हो, आपको नहीं लगता दयाराम जी, आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि आप अकेले हरा सकते हैं? क्योंकि इतनी बड़े बड़े नाम आपने जो गिना दिए हैं और आपने कहा कि सब हमारे साथ हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर आप अकेले लड़े तो कोई कहीं ना कहीं कुछ असर दिखेगा? देखिए, हमने आपको बताया ना, भागीदारी संकल्प मोर्चा बना है जिसको हमारे विचारधारा और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को नेस्ता नाबूद करना है, उत्तर प्रदेश के सदन से भारतीय जनता पार्टी को अगर हटाना है वो हमारे साथ आए, हमारे लिए उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। और आपने मिलने मिलाने की बात कही आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर के लिए कि कभी स्वतंत्र देव से मिलने जाते हैं, अभी विगत आपको 2 दिन परसों की बात है, आप बताइए मुलायम सिंह से मिलने उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्र देव सिंह क्यों मिलने गए? अरे वो तो न्योता देने गए थे भाई, वो आमंत्रित करने गए थे, कल्याण सिंह की जो श्रद्धांजलि सभा थी उसके लिए आमंत्रित करने गए थे, वो कोई राजनीतिक विषय नहीं है। लेकिन राजनीतिक विषय आप लोग का रहता है, क्योंकि कभी आप स्वतंत्र देव जी से मुलाकात आपकी होती है, कभी किसी और से होती है, कभी अखिलेश जी से चर्चा होती है। बहरहाल इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। मनोज यादव जी सपा का पक्ष रखेंगे। मनोज जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या तैयारियां हैं, क्योंकि अखिलेश जी एक तरफ कह रहे हैं कि हम 351 सीट जीत सकते हैं, उनको किसी ने बताया है वो बिल्कुल तैयार हैं उसके लिए, उसके अलावा कई छोटे दल आपके साथ हैं, लेकिन बीजेपी अब कितना आपको टक्कर दे रही है इस वक्त, क्या दिख रहा है आपको? देखिए, 2022 के चुनाव में बीजेपी स्वयं को टक्कर देती नजर आ रही है, और स्वयं के टक्कर से मेरा अभिप्राय इतना है जो बीजेपी की इंटरनल प्रॉब्लम है जो बहुत ज्यादा मीडिया में नहीं आ पाई, सिर्फ चर्चा हो पाई है, वो खुल के अभी तक नहीं आ पाई। पिछले 6 महीने से विस्तार की बात कही जा रही कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार होगा, अभी तक हुआ नहीं, और कोई उपमुख्यमंत्री बनना चाह रहा था वो अभी बना नहीं, ब्राह्मण नाराज है उसको खुश करने के लिए बीजेपी दूसरे दलों के ब्राह्मणों को ले रही है, उसमें कितना सफल हो पाई ये अभी बीजेपी ने क्लियर नहीं किया। और सबसे बड़ी लड़ाई जो होगी वो होगी टिकटों के बंटवारे, बीजेपी कितने टिकट काटती है, कितने नए देती है, तो ये बीजेपी की खुद से अपनी तैयारी कर ले खुद से लड़ाई लड़ने की। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज बनके आज उत्तर प्रदेश भर के युवाओं में, बेरोजगारों में, नौजवानों में, किसानों में, गरीबों में, बुनकरों में, दलितों में, पिछड़ों में, आदिवासियों में, सब में पूरी आवाज बन के खड़ी हुई है। और आवाज यह है एक विश्वास का, क्या पूछ रहे मनोज जी, सुभाषपा कह रही है कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसके साथ जाएंगे, तो क्या उनको आप लेने के लिए कुछ विचार विमर्श कुछ पार्टी में चल रहा है इस वक्त? दरवाजे खुले हैं, समाजवादी पार्टी ने लगातार इस बात को कहा है कि जो भी छोटे दल है उन सब के लिए दरवाजे, तो इसका क्या भरोसा? क्योंकि वो तो नहीं मनोज जी, वो तो बीजेपी के साथ भी गए थे और 1-1.5 साल बाद वो अलग हो गए, क्या भरोसा कि वो आपके साथ ऐसा ना करें? देखिए, अगर सुहेलदेव राजभर की पार्टी रियल में पिछड़ों की लड़ाई लड़ रही तो निश्चित तौर पे आज वो इसीलिए सत्ता से बाहर है। जिन लोगों की बात कर रहे हैं
अगर उन्हें सत्ता भोगना होता तो मुझे नहीं लगता है कि वो सत्ता में बने होते, क्या बार्गेनिंग करने की उनको जरूरत थी। मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, उनके तमाम उनके बच्चों को मंत्री पद दे दिए गए थे, उनके कार्यकर्ताओं को मंत्री पद दे दिए गए थे, क्या जरूरत थी उनको सरकार के आने की। तो मुझे नहीं लगता है कि जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो मौजूदा परिदृश्य में कहीं ठीक ठाक बैठता। चलिए वो तो समय, एक बात से मैं सहमत हूँ जी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए राजनीति के कुछ दायरे हैं, कुछ मान्यताएं हैं, कुछ रिवायतें हैं और कुछ लाइनें हैं। उन लाइनों को खींच के कभी भी राजनीति उनको पार करके नहीं करनी चाहिए। वो सुहेलदेव राजभर के अध्यक्ष जी से ये बेहतर है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उनका दल है वो बेहतर समझते होंगे कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना। अच्छा, जब ये स्वतंत्र पार्टी जो बीजेपी की भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से जब ये मिलने गए थे तो कुछ नाराजगी आप लोग को हुई कि कुछ ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों गए जब हमसे बातचीत चल रही? तो नहीं नहीं, क्यों नाराजगी वाले इसमें कोई बात ही नहीं है भाई, किसी के व्यक्तिगत रिश्ते हो सकते हैं वो जाएंगे। अभी स्वतंत्र देव सिंह जी आए थे, संजय सिंह पार्टी आदरणीय नेता जी से मिलने, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी आप लोग के यहाँ मुलाकात करने आए थे, मुलाकात हुई थी और ये चर्चा थी कि साथ में चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे 403 पे। ऐसा ना हो आगे चल के राजभर जी भी यही कह दें। नहीं तो समाजवादी पार्टी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने अपने समीकरण हमने अपनी बिसाते से बिछा दिए हैं, सिर्फ हमें टिकट देना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निकलना है, बाकी सब कुछ क्लियर है। चलिए ठीक है, मैं बीजेपी के बीजेपी अच्छी से समझ चुकी है, इसीलिए बीजेपी परेशान है। मनोज जी मैं भाजपा से जवाब लेता हूं। रामनिवास जी, दयाराम भार्गव कह रहे हैं कि भारतीय झूठ पार्टी, उसे बाहर निकालना है, क्या कहते हैं इस पर आपको कि इतना बड़ा आरोप पहले तो उन्होंने लगाया, दूसरी तरफ जिस तरह से छोटे दलों की बात कही जाती है, क्योंकि कहा यह जाता है कि छोटे दल वो दल होते हैं अगर आपके लंच बॉक्स में, मैं आम भाषा में बता रहा हूं कि अगर आपके लंच बॉक्स में आपके पास रोटी है तो ये छोटे दल सब्जी का काम कर देते हैं, अगर आपकी गाड़ी में तेल नहीं है तो ये तेल का काम कर देते हैं। ये आम भाषा में, अगर आम दिनचर्या की भाषा में कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक सही तरह से बैठता है। आप क्या कहेंगे, आप भारतीय झूठ पार्टी हैं, भाजपा हैं, क्या हैं? और राम भार्गव जैसा कि अभी वो कह रहे थे या फिर मनोज जी ने कहा कि सामंजस्य जो था वो नहीं बैठा, इसी वजह से ओम प्रकाश राजभर को पार्टी छोड़नी पड़ गई, क्या कहेंगे, क्यों उनकी बातें नहीं आप लोग मान रहे हैं? और बाकी के भी कई सारे ऐसे जो दल हैं जो आपसे अपनी बातें मनवाना चाहते हैं, चाहे वो हम संजय निषाद की बात कर लें या अन्य पार्टियों की बात कर लें, वो आपसे अपनी बातें मनवाना चाहते हैं लेकिन आप लोग मानते नहीं है, कैसे कोई साथ रहेगा आपके? बिल्कुल सही बात आपकी जो है। अभी जैसे मेरे पूर्व सहयोगी सुभाषपा के प्रवक्ता बंधु बोल रहे थे तो उनकी आवाज़ से लग रहा था कि कितनी झल्लाहट है सत्ता की उनको, कि जिस तरह से उन्होंने लोकसभा के चुनाव में पार्टी में रह के हमारे गठबंधन में रह के हमारे खिलाफ काम किया, जब योगी जी ने उनको बर्खास्त कर दिया तब उनको पिछड़े के नेता याद आए। और क्योंकि जो आदमी 2-3 साल सत्ता में रह लेता है, जब सत्ता, क्योंकि ये लोग सत्ता के लिए सारा काम कर रहे हैं, इनका ना देश से मतलब है, ना समाज से मतलब है, ना जो है उत्तर प्रदेश से मतलब है, इनका तो एक ही ख्वाब है कि इतना सत्ता मिले। वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से विधानसभा में जाने का इनको एक अवसर मिला था, वरना जीवन में कभी विधानसभा के अंदर ये झांक न पाते। भारतीय जनता पार्टी की बदौलत उत्तर प्रदेश की सरकार में शामिल हुए, अगर भारतीय जनता पार्टी न होती तो जीवन में कभी भी ये मंत्री पद जैसा पद इनको नहीं मिल पाता। लेकिन कभी कभी होता ना कि छोटे व्यक्ति को कुछ बड़ा दे दो तो पकड़ा जाता है, वैसे सुभाषपा के नेता और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, सत्ता का जो एक घमंड उनको हो गया, वो पगला गए कि हमारे बगैर भारतीय जनता पार्टी जो है चल नहीं सकती है। लोकसभा के चुनाव में जनता ने उनको दिखा दिया, और खासकर पिछड़े समाज के, जहां जहां उनको लगा कि जहां हमारे समाज के वोटर हैं वहां उन्होंने प्रत्याशी उतारे। अभी आपने कहा छोटे व्यक्ति, तो ये तो कह रहे इनके पास बहुत सारे बड़े नाम है, 10 दल हैं जो इनके साथ, नाम छोटे क्या, नहीं नाम लेने के, अगर इतने से बड़े लोग हैं तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ चक्कर काटते हैं, समाजवादी पार्टी चक्कर काटते हैं, कांग्रेस के चक्कर काटते हैं, तो भाई क्योंकि सत्ता की जो वो होती है झल्लाहट, तो सत्ता से कोई बाहर होता है तो कैसे सत्ता मिले, अब सत्ता मिलने के लिए सारे प्रयत्न कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी है उनके साथ हैं, वो सब मिल के हम सब लोग काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी जैसे मनोज जी मेरे मित्र हैं, इनका भी जो है झल्लाहट दिख रही थी इनकी बातों से। समाजवादी पार्टी नाम जरूर समाजवादी पार्टी है, लेकिन एक परिवार की पार्टी है, नेताजी ने पूरा परिवार एक तैयार किया था उत्तर प्रदेश में, और नेताजी निश्चित रूप से बहुत बड़े नेता हैं,
और उनका एक देश में और प्रदेश में बड़ा सम्मान है, लेकिन जिस तरह से उनके उत्तराधिकारियों ने उनकी पार्टी को तहस नहस किया, उसको खत्म करने का काम किया, तो आज नेताजी को तकलीफ होती है। आज अखिलेश जी 2017 में, मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कभी भी अखिलेश जी की हैसियत नहीं है कि अकेले समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हो जाए। अरे ये सब तो बहुत बड़े बयान आप दे रहे हैं दयाराम भार्गव। ये अभी नहीं, मैं दयाराम भार्गव के बारे में, ये कांग्रेस से मिलकर लड़े, कांग्रेस का खत्म कर दिए, साथ में अपना भी बर्बाद हो गए। 2019 में बहुजन समाज पार्टी से मिले, ये जिससे मिलते हैं उसका भी नुकसान करते हैं और अपना तो करते ही हैं, क्योंकि नेताजी ने जो पार्टी बना तैयार की थी उसको धीरे धीरे खत्म करने का काम कर रहे हैं। और आने वाले 2022 के चुनाव में अभी इनके 50 से कम हैं, फिर इनके 25 से कम हो जाएंगे। जवाब ले ले, देखिए क्या कहते हैं, क्योंकि इसलिए समाजवादी पार्टी और जो ये सब ये मोर्चा बने हुए हैं, किसी की जनता सुनने वाली नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और देश में मोदी जी और योगी जी जनता के हितों में काम कर रहे हैं, इसलिए जनता उनके साथ लगाता जो 2017 से लेके बल्कि 14 से लेके रामनिवास जी मैं रोकूंगा आपको अभी यहाँ पे। तत्काल के चुनाव हुए रामनिवास जी मैं आपको यहाँ रोकूंगा। मैं अभी जैसा कि अभी आपने कहा कि लगातार प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जनता के लिए काम कर रही है, लेकिन कुछ सवाल मेरे अपने भी हैं, क्योंकि हम 24 करोड़ की जो जनता है उत्तर प्रदेश की उसके लिए डिबेट कर रहे हैं। हम आपसे यहाँ पूछना चाहेंगे जो आम समस्याएं हैं जनता की, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि डेंगू से लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, कुछ नहीं हो पाया। इसके पहले कोविड के दौरान जिस तरह से जो लाचारी देखने को मिली, जहां पर अस्पतालों में नहीं मिल रहा था, इलाज नहीं मिल रहा था, दवाओं की कालाबाजारी, अस्पतालों में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, ये सारी चीजें। इसके अलावा 3 साल से आप संचारी रोग चलाते आ रहे हैं जब से आप सत्ता में हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भाई, विपक्ष तो सवाल पूछेगा ही, वो कहेगा ही कि आप लोग ने कुछ नहीं किया, और आप कह रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, तो ये सारे जो सवाल है इनके जवाब आप जनता को कैसे देंगे, कैसे विपक्ष को देंगे? निश्चित रूप से विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार है, क्योंकि अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो जनता जाने कैसे विपक्ष में है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर सही तरीके से, सकारात्मक तरीके से जनता के सवाल उठाएं, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार 100 साल बाद इतनी बड़ी महामारी आई, जिस तरीके से उससे निपटा, शायद दुनिया में कोई भी देश ऐसे निपटा हो। चलिए, तो मैं बड़ी आबादी होने के बावजूद इतने कम समय में केंद्र की सरकार प्रदेश सरकार की मिलकर कोरोना जैसी महामारी से निपटी है, और जो लोग मंच पे चिल्ला रहे हैं, इनके नेता गठबंधन सत्ता के लिए चिल्ला रहे हैं, कोई भी नेता इनका बाहर निकल के नहीं आया, जबकि हमारे मुख्यमंत्री बीमार होते हुए भी उत्तर प्रदेश के जिले जिले लोगों से मिलते रहे, अस्पतालों के भ्रमण करते रहे, लोगों की मदद करते रहे। चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ दयाराम भार्गव, काहे भाई आप लोग क्यों इतना सत्ता के लालच में पड़े रहते हैं, जैसा कि रामनिवास कह रहे हैं कि सत्ता की लालच है इनको और लगातार उसी के पीछे भागा करते हैं। हमने भी इनको भगाया, बसपा के साथ आए कुछ नहीं हुआ, और इसके अलावा अन्य दलों के साथ आ रहे हैं तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे, काहे का लालच है भाई आप लोग को सत्ता का? देखिए सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी की बिहार में कितनी बड़ी लालच है देख लीजिए, महाराष्ट्र में ललचाते हुए जीभ में और मुंह में पानी आते हुए सत्ता निकल जाती है, वहां कोई और सरकार बना लेता है, ये इनकी सोच है। जो ये बड़ी बड़ी पार्टियों की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, आप समझिए जो 43 पार्टियों की क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन करने वाली भारतीय जनता पार्टी हमको छोटा दल बता रही है। अरे हम छोटे दल है, स्वागत करते हैं, लेकिन महोदय एक चीज याद रखिए, एक कहावत है देसी, छोटी मिर्च बड़ी से आगे, समझ लीजिए, छोटों को कभी छोटा नहीं आंकना चाहिए। अब बताते हैं इन्होंने माननीय नेताजी ओम प्रकाश राज पर भी कमेंट किया, वो आपको मैं बताता हूँ। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, माननीय अमित शाह जी देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के योगी जी बोले थे 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले हम सामाजिक न्याय की समिति जो है रिपोर्ट लागू कर देंगे। चुनाव आ गया, 3 महीना रह गया, योगी जी ने कहा हम रिपोर्ट नहीं लागू करेंगे, सुनील बंसल ने कहा रिपोर्ट नहीं लागू करेंगे। अरे तो भाई इतनी महामारी प्रदेश, अरे तो इतनी रिपोर्ट लागू नहीं किया, दयाराम भार्गव जी दूसरी बात, इतनी समस्याएं प्रदेश में फैली हुई है उस पर भी तो सरकार काम कर रही है, कोविड में इतना अच्छा काम किया। अरे मैं वही आ रहा हूँ भाई, समस्या पे आ रहा हूँ। 2014 से पहले सिलेंडर 410 का था, आज उत्तर प्रदेश में 1000 में मिलता है। 2014 से पहले पिछली जिसकी सरकार थी 3.5-4 रुपए यूनिट बिजली थी, आज 7.5 रुपए यूनिट उत्तर प्रदेश में है। हम इसकी बात करते हैं, पिछली सरकार में स्वास्थ्य की स्थिति क्या थी, स्वास्थ्य कम से कम कुछ ना कुछ हॉस्पिटल बनाए गए थे, लेकिन पिछले सरकार के हॉस्पिटलों को लेकर के ये उसमें डॉक्टर मुहैया नहीं करा सके, ये डॉक्टर नहीं करा सके, नर्स नहीं करा सके,
खरीदार जो सांस लेते हैं भैया, जिससे सांस लिया जाता है, ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा सके। हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ था, वो ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं चालू हुआ, ये क्या प्रश्न का चिन्ह नहीं लगता उत्तर प्रदेश में? अभी आप देखिए बुखारों का क्या हाल चल रहा है, फिरोजाबाद में देख लीजिए 40 से ऊपर बच्चे मर जाते हैं, मथुरा में देख लीजिए 14 से 15 बच्चे मर जाते हैं, 11 बच्चे मथुरा के एक ही गांव में मर जाते हैं। लेकिन आप बताइए ये मोदी और योगी सरकार जो चिल्ला करके भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, स्वास्थ्य के लिए भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में क्या कर दिया? कानून व्यवस्था में देखिए, उसके बाद देखिए हमारे भार्गव जी, आपके नेता क्या इन प्रमुख क्षेत्रों में गए जहां पर ये समस्याएं फैली हुई हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे नेता हमारे जिला अध्यक्ष फिरोजाबाद में, फिरोजाबाद के हमारे जिला अध्यक्ष प्रदीप परमार जी वहां जाकर के स्थानीय हॉस्पिटल में चेक करके आए, मथुरा के हमारे जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह जी है वो जाके गांव में जाके देख के आए। हम तो अपने जिला अध्यक्षों से फीडबैक लेके बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के काम पे जू नहीं रहता। महंगाई चरम सीमा पे है, सरसों का तेल 200 रुपए लीटर है, पिछली सरकार में 70 से 60 रुपए लीटर मिला करता था। गरीब बस्तियों में अगर आप चले जाए, जो लोग 4 से 5 लीटर महीने में खर्च करते थे, आज 1 लीटर खर्च कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, वो समय बताएगा, वो दयाराम भार्गव वो समय बताएगा। विकास के नाम पे जीरो है और महिलाओं के साथ कितना अत्याचार। दयाराम भार्गव वो समय बताएगा कि आगे क्या होता है। नहीं नहीं, वो समय बताएगा आगे क्या होता है कि जब कोई और पार्टी बनती है, वो सत्ता में आती है, वो कितना क्या करती, वो समय बताएगा। क्योंकि एक लंबा समय ये चला आ रहा है जहां पर 5-5 साल का टेन्योर उत्तर प्रदेश में रहा है लगभग सभी पार्टियों का, लेकिन बहुत ज्यादा विकास किसी का नहीं आज तक देखा गया। मैं सुभाष चंद्र जी को जोड़ना चाहूंगा क्योंकि वो विश्लेषक, मैं आऊंगा आपके पास, आपका जवाब ले लूंगा। सुभाष चंद्र जी, मैं आपके पास आता हूं। सबसे पहले बताइए, ये जो छोटी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, इन्होंने इस बार हुंकार की है कि ये एक बड़ा रुख अपनाएंगे और एक बड़ा नतीजा की तरफ से पेश होगा। अभी जैसा कि पार्टियों से बात हो रहा था, जैसे बीजेपी भी कह रही है कि छोटी पार्टियों मतलब छोटी ही पार्टियां, मनोज जी जो कि सपा से हैं वो ये कह रहे हैं कि जिसको चाहिए वो हमारे साथ आ सकता है, दरवाजे हमारे लिए खुले हैं, हमारे विचारों से मिलता रहे। और सुभाषपा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर पहले बीजेपी में थे, मंत्री थे, और उसके बाद अब उन्होंने कहा कि 10 बड़े नाम, 10 बड़े जो पार्टियां हैं जो वो उनके साथ हैं और वो एक मजबूती से चुनाव लड़ेंगी, जो बीजेपी को हराएगा वो उनके साथ जाएंगी। आम आदमी पार्टी ने अलग ऐलान कर दिया है, दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण की पार्टी है उसने भी अलग ऐलान किया है कि वो भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी के साथ जुड़कर चुनाव लड़ सकती है। ये जो छोटे दल हैं, ये कितना अहम है और कितना महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में? और सबसे अहम बात ये, क्योंकि शिवपाल यादव की भी पार्टी लगातार कहीं ना कहीं एक्टिव दिख रही है, लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने अपनी एक्टिवनेस दिखाई थी और उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी कहीं ना कहीं वो आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या तैयारियां हैं उत्तर प्रदेश की, आप अगर एक विश्लेषक के तौर पर हमें बताना चाहेंगे तो क्या बताते? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, ये विधानसभा चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए उतना मायने नहीं रखता है। उत्तर प्रदेश का 2022 का विधानसभा चुनाव भारत देश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों तय करता है। तो 2022 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है वो कहीं ना कहीं देश के लिए एक निर्णायक मोड़ है। दूसरी बात इसके अंदर ये कि जो छोटे दल हैं, छोटे दलों की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा निर्णायक है। मैं अपनी बात बोलने से पहले यहाँ बोलना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के मेरे सहयोगी जो बैठे हुए हैं, इन्होंने बोला है कि छोटी पार्टियाँ, मतलब इस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि छोटी ही पार्टियां, कि उनका कोई अस्तित्व नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, जबकि उनके पास खुद 40 से ज्यादा पार्टियों का गठबंधन है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता के अंदर बैठी हुई है तो कहीं ना कहीं इन छोटी पार्टियों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि तो उत्तर प्रदेश तो छोटी पार्टियों के नेताओं को मंत्री बनाया है भाई। उसी बात पर आ रहा हूं नितिन जी, उसी बात पर आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होता है वो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों के ऊपर टिका हुआ है। जो छोटी छोटी पार्टियां जो उठ के आई हैं, चाहे संजय जी चौहान की पार्टी हो गई या ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी हो गई या दूसरी जो पार्टियां हो गई, ये कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र के अंदर पनपी हुई हैं, जो अपने एक विशेष राजनीति करती हैं, अपने किसी जाति के लिए राजनीति करती हैं, व्यक्ति विशेष के लिए राजनीति करती हैं। लेकिन जब अपने ही लोगों को हक देने की बात आती है तो मुझे पता नहीं क्यों समझ में आता है कि यही छोटी छोटी पार्टियां सत्ता के पास आने के बाद उन लोगों को भूल जाती है। तो कहीं ना कहीं छोटी पार्टियों को भी अपना ध्यान देना पड़ेगा।
जी, अभी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वहां पर इसको हम तीन खेमों में देख सकते हैं। पहला खेमा जो है वो बीजेपी का है जो सत्ता में इस वक्त है, दूसरा खेमा समाजवादी पार्टी का है जिनके पास छोटी छोटी पार्टियों का साथ अब धीरे धीरे उन्हें मिल रहा है, तीसरा खेमा बसपा का है, बसपा ने यह कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। तो लड़ाई कहीं ना कहीं जो ये छोटी पार्टियों के साथ को लेकर है वो कहीं ना कहीं बीजेपी और सपा के बीच में है। सपा इस वक्त ज्यादा मजबूत लग रही है बीजेपी, क्योंकि सपा में लगातार देखा जा रहा है कि जो छोटे छोटे दल हैं वो जुड़ते जा रहे हैं और अखिलेश यादव ने सबके लिए दरवाजे भी खोले हुए हैं। तो बीजेपी ज्यादा मजबूत लग रही है आपको या सपा लग रही है? नितिन जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं कांग्रेस और मैं बीएसपी पे आना चाहता हूँ। कांग्रेस करीब करीब उत्तर प्रदेश के अंदर मृतप्राय हो चुकी है प्रियंका गांधी की एंट्री होने के बाद में, और अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में थोड़ा सा उनके अंदर एक जोश आया, लेकिन मुझे कहीं नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं भाजपा को टक्कर दे पाएंगे। दूसरा, बहुजन समाज पार्टी जो 2022 के अंदर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि उसके जो विधायक थे वो तो कहीं ना कहीं छोड़ के जा चुके हैं, जो बचे कुचे हैं वो भी अपनी कहीं ना कहीं अपनी नैया को तलाश रहे हैं, तो बहुजन समाज पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी को कोई टक्कर देने वाली नहीं है। तीसरा, सीधे सीधे शब्दों के अंदर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई टक्कर दे रहा वर्तमान के परिदृश्य को अगर ध्यान रखा जाए तो सिर्फ और समाजवादी पार्टी और उनके साथ में आने वाले जो छोटे मोटे दल हैं वो दे रहे हैं। आपने बीच में एक सवाल किया था कि शिवपाल सिंह यादव जी की पार्टी के बारे में पूछा था, तो यहाँ पे मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि शिवपाल सिंह यादव जी ने कुछ दिनों पहले एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में एक बाइट दी थी उन्होंने जिस तरीके से एंकर के सामने अपनी मजबूरी को दर्शाया, तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगा कि प्रदेश का एक दिग्गज नेता जिसने समाजवादी पार्टी की इमारत को खड़ा करने के अंदर अपनी ईंट लगाई है, उसने उसको सींचा है, वो आदमी इतना कैसे नीचे डाउन हो सकता है कि वो गुहार लगा रहा है एंकर महोदय से कि मुझे अखिलेश जी से मिला दीजिए। गुहार क्या थी? कि मुझे अखिलेश जी से मिला दीजिए, क्यों अखिलेश जी मुझे मिलने का नहीं क्यों नहीं मिलते हैं? ये तो खैर इंटरनल उनका कुछ मामला होगा, सपा का या प्रसपा का या चाचा भतीजे का, उसके अंदर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन शिवपाल सिंह यादव की सांगठनिक क्षमता जो है बहुत ही अद्भुत है। उन्होंने कम समय के अंदर प्रसपा का जो संगठन उत्तर प्रदेश के अंदर जो फैलाया है बहुत ही अद्भुत है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनको इस तरीके से झुकना नहीं चाहिए, उन्हें अपनी सांगठनिक क्षमता का परिचय देना चाहिए। आपकी इस बात का मैं मनोज जी से जवाब लेना चाहूंगा। मनोज जी, क्या बात है भाई, शिवपाल जी इतना परेशान है, वो अखिलेश से मिलना चाहते हैं, अखिलेश जी तब समय नहीं दे रहे हैं, वो जगह जगह जाते हैं, जगह जगह मंचों से कह रहे हैं कि मैं मिलना कब से चाह रहा हूं लेकिन मुझसे मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो क्यों आप लोग क्यों इतना कम आंक रहे हैं उनको? क्योंकि वो भी पार्टी की नींव उन्होंने ही रखी थी कहीं ना कहीं नेताजी के साथ मिल करके, आज आप लोग उनको समय नहीं दे रहे हैं, क्या बात है भाई? देखिए, उस पर राष्ट्रीय जी का बयान आ चुका है, उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी आदरणीय शिवपाल जी का और उनके साथियों का सबका सम्मान रखेगी और समय आने पे उस पर भी मेरे ख्याल से जो भी लोगों की शिकायतें हैं वो पूरी हो जाएंगी। उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता कि अगर बहुत कुछ बता दोगे तो बीजेपी वाले पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर देंगे। तो अभी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बीजेपी वाले मैं कह रहा था कि बीजेपी वाले कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले रामनिवास जी कि आप लोग परिवार की पार्टी हैं, आप परिवार को लेकर साथ चलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने परिवार को ही अलग कर दिया। अब आप लोग खुद सोच लो कि किसका आरोप सही है किसका आरोप गलत। अभी अगर मैं कहूँ वो कह रहे हैं कि आपके राजनीतिक विशेषज्ञ परिवार अलग है, वो आरोप लगा रहे हैं कि परिवार की पार्टी है, तो किसका आरोप का जवाब दूं किसका ना दूं? ये बेवजह आरोप वाला आरोप है। मैं तो सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की जो इमारत है उसको खड़ा करने के अंदर क्या शिवपाल सिंह यादव का योगदान नहीं है? क्या आप उसको नकार सकते हैं? इसके हर व्यक्ति का, मेरी समझ से पार्टी में जो सबसे निचले क्रम का एक कार्यकर्ता सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा योगदान उसका रहता है, और कारण ये कि वो वोट और सपोर्ट तो हमेशा करता लेकिन उसको मिलता कभी कुछ नहीं। इसलिए हमारी परिभाषा और हमारे अगर तरीके से जवाब देंगे तो मैं सदैव सत्य बोलने पर विश्वास करता हूं। बच रहे, और जिसका जिसका भी समाज नहीं, मैं किसी का बच नहीं रहा हूं, ना मैं किसी का नहीं बच। अच्छा, आप अगर शिवपाल जी की बात करेंगे तो आजम साहब छूट जाएंगे, आजम साहब की बात करेंगे तो आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी छूट जाएंगे, उनकी बात करेंगे तो हमारे जो करण जी थे गाजीपुर वाले वो छूट जाएंगे। अरे सुनते जाइए मेरी बात, बीच में इंटरप्ट मत करिए प्लीज, इंटरप्ट मत करिए। अगर अगर उनकी बात करेंगे तो आदरणीय जो बाबूजी स्वर्गीय हो गए बिनी प्रसाद वर्मा जी, उनका योगदान छूट जाएगा। एक व्यक्ति का पार्टी बनने में किसी का योगदान नहीं होता, सभी का योगदान होता है। एक नेता की सोच होती है, योगदान सबका होता है। मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, जो मेन है समाजवादी पार्टी पे डिस्कशन नहीं है, मैं कह रहा हूं बीजेपी के नेता ने इस बात को टीवी चैनल पे कहा कि राजभर की पार्टी बहुत छोटी पार्टी,
मैं समाजवादी पार्टी मनोज यादव कहता हूं आप लड़ा कि उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतरीन पार्टी आप, अगर आप और सबसे बड़ी कोई राजनीतिक दल है तो वो सभी छोटे राजनीतिक दल है जो राजनीति अपने अपने समाज की मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, एक सेकंड, मैं किसी को नहीं लड़ा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक ओर से अटल जी की सरकार गिरी थी, मैं एग्जाम्पल के साथ डिबेट करता हूँ, हवा हवाई बात करने में विश्वास नहीं रखता मैं, वो बीजेपी की लाइन नहीं बोलता, बहुत विकास किया, और जब पूछो कौन सा काम किया तो कहते बहुत काम किया, पूछो कौन सा काम किया फिर कहेंगे अरे बहुत काम किया, काम नहीं गिना पाते। तो अटल जी की सरकार एक ओर से गिरी थी, एक ओर का महत्व तो बीजेपी को बेहतर, हमसे ज्यादा बेहतर समझ में आता होगा, और कहा कि कितनी क्या हैसियत है इसकी, अरे जिस पार्टी के दो सांसद कई दशक तक रहे, तीसरा सांसद नहीं जीतता था उस पार्टी को यह शब्द कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, मैं ऐसा महसूस करता हूं, 100 बार सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या, भूल गए होंगे हमारे बीजेपी के साथी, बचपन में 90 के दशक में एक नारा लगता था पोस्टर पे, आज 5 प्रदेश कल सारा देश, कई दशक बीत गए उसको पूरा करने में, 90 की बात है ये, जब मैं क्लासिंग स्कूलिंग करता था तब रास्ते में ये लिखा मिलता था बीजेपी की तरफ से, कितने 3 दशक लग गए आपको पूरे देश पे, और अभी भी पूरे देश पे आप काबिज नहीं, एक तरफ जीत रहे हैं दूसरी तरफ हारते चले जा रहे हैं, आप कितने कम सीटों से गुजरात में सरकार चला रहे हैं ये आपको भली भांति पता होगी, ये बातें मत टीवी चैनल पे कहा करिए। और रही बात समाजवादी पार्टी की, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूं, आपके दर्शकों को आश्वस्त करता हूं कि सब जो अंतिम परिणाम होगा गठबंधन का वो जनता के मापिक होगा, उत्तर प्रदेश की जनता के जो मन में गठबंधन है वो होगा, बस अंतिम समय आने दीजिए, अभी बहुत घाक लोग बैठे हैं, मनोज जी उत्तर प्रदेश में प्रमुख लड़ाई किससे, क्योंकि कमियां तो आपने सारी गिना दी बीजेपी की, आप मानते हैं कि इनसे टक्कर है, सबसे टक्कर नहीं बीजेपी से, पार्टी जो चुनाव लड़ेगी हमारा उससे टक्कर बीजेपी से, नहीं बीजेपी को ही मैं क्यों कहूं, मैं तो कह रहा हूं बीजेपी अपने सबसे अंतिम पायदान पे आ चुकी है तो मैं उससे ही टक्कर क्यों कहूं, मैं तो महसूस करता हूं बसपा से भी टक्कर होगा, कांग्रेस से भी टक्कर होगा, ऐसा नहीं कि कहीं लड़ाई नहीं होगी, अभी उपचुनाव हुआ था, एक सेकंड एक लाइन और बोल दूं, अभी उपचुनाव हुआ था बाराबंकी जयपुर विधानसभा का चुनाव हुआ, वहां कांग्रेस भी टक्कर में थी और शानदार फाइट कांग्रेस ने की, अभी कानपुर देहात का चुनाव हुआ था वहां पे बीएसपी भी टक्कर में, आप लोग कांग्रेस के लिए इतना सॉफ्ट क्यों रहते हैं, कांग्रेस के लिए इतना सॉफ्ट क्यों रहते हैं, हम किसी के लिए सॉफ्ट नहीं, मैं सीटों के एग्जांपल उदाहरण के साथ आपके टीवी चैनल पे बोल रहा हूँ। चलिए मैं राम निवास जी से इसका जवाब लेता हूँ, बीजेपी नंबर दो पे नहीं रहेगी, मैं बीजेपी से इसका जवाब लेता हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा, ना ना मैं बीजेपी से ही इसका जवाब लेता हूँ। राम निवास जी आप बिल्कुल, आप लोग की जो पार्टी है उत्तर प्रदेश में वो अंतिम पायदान पे है, मनोज जी ऐसा कह रहे हैं, आपसे कोई भी टक्कर नहीं है, बिल्कुल जनता ने नकार दिया, क्या कहेंगे? नहीं, ये मनोज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इनकी पार्टी को लगातार 2014, 2017 फिर 2019 जनता ने नकार दिया, तो ये अपनी बात बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का इनका अंतर 1 और 10 का है भाई, हमारे 325 विधायक इनके 50 से भी कम हो गए, और जब जब सत्ता में थे तो इनके 225 थे, तो जब ये सत्ता में आते हैं तो इनका लूट घसोट भ्रष्टाचार चरम पर होता है, और वो तो नेता जी देश के इतने बड़े नेता थे, पूछ रहे हैं आपके उनकी उनकी कमाई हुई संपत्ति को, अखिलेश जी भाई उन्होंने इतने लंबे समय तक संघर्ष किया, नेताजी ने इतनी बड़ी पार्टी बना खड़ी की, अब उसको खत्म करने काम अखिलेश जी कर रहे हैं, जो 2014 से 17 19 और 22 आते आते बिल्कुल जीरो हो जाएगी, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अखिलेश जी लगातार 17 में भी गठबंधन किए, 19 में भी किए, और तमाम दलों को शामिल कर 2022 में गठबंधन करेंगे, लेकिन फिर भी वो भी हारेंगे और उनकी पार्टी और बुरे हाल होंगे, इसलिए मनोज जी से मेरा आग्रह है, अभी अभी समय है आपके पास, आइए भारतीय जनता पार्टी में, आपका स्वागत है, अच्छे लोगों का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि आने वाली सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है, मनोज जी शामिल हो जाएंगे क्या, राष्ट्रवादी विचारधारा कहने से मनोज जी शामिल हो जाएंगे, क्या देश को बढ़ाएंगे, मनोज जी आपके कहने से नहीं शामिल होंगे, अब उत्तर प्रदेश में कभी न सरकार बननी है न कभी लायक आएंगे, विपक्ष में भी मजबूत नहीं रह पाएंगे, मनोज जी आपके कहने से थोड़ी ना शामिल, नहीं आपकी बात का जवाब दिए दे रहा हूं, आप थैले भर के पैसे में विधायक खरीदते हैं, सांसद खरीदते हैं, मनोज यादव को सोने से अगर खरीदने की कोशिश करेंगे मेरे बराबर, तभी बीजेपी में नहीं खरीद चाहूंगा, सोने के बराबर तो पैसा देने की बात कहा की, इन्होंने तो कहा, नहीं नहीं
इन्होंने पैसे देने की बात भाई, हमने उत्तर प्रदेश की विकास के लिए आपसे कहा कौन से अखिलेश जी लगातार जा रहे हैं और कम हो जाएंगे। मनोज जी कहां खरीदा, उत्तर प्रदेश में तो पूर्ण बहुमत से आए थे, यहां तो किसी को नहीं खरीदा, कहां पे खरीदा इन्होंने? ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पे नहीं खरीदा आप बताओ? नहीं, उत्तर प्रदेश में बताइए किसको खरीदा? बीएसपी के विधायक को खरीदा नहीं खरीदा? ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बताओ ना, उन्नाव के पूर्व के विधायक को खरीदा नहीं खरीदा? वो तो दरअसल आप अपनी बात बता रहे हैं, क्योंकि आपकी जो पार्टी मार रहे हो सब पैसे लेके आए। ये चुनाव था तो आपने किसको कितना पैसा दिया मुझे अच्छे से पता है। अभी ये आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी भी आपके पीछे आ रहे हैं, झूठ बोलने में माहिर। आपके पास भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में माहिर। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं 325। अरे भैया सुनल देव, भारतीय समाज पार्टी अलग हो गई, कम से कम 325। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सब आए, सब लोग जीते थे, उसके बाद 2019 में आपकी हैसियत अंदाजा लग गया ना भाई। जीते भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में थे 2019 में, आपकी हैसियत का अंदाजा लग गया, इसीलिए आज आप सत्ता के लिए छटपटा रहे हैं। और ना सत्ता आगे आपको मिलने वाली है, ना आप दोबारा विधानसभा में जाने वाले हैं आपके नेताजी। क्योंकि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी जा रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी छटपटा रही है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, मैं फिर आज अजय प्रवक्ता होने के नाते बता दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो है 2022 में उत्तर प्रदेश से जा रही है। नोट करिए इसे, भागीदारी संकल्प मोर्चा के दसों दलों ने ये कसम खा रखा है, भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय झूठिस्तान पार्टी। क्या होगा मनोज जी का रोजगार छोड़ने वाली नौकरी? जयराम जी, मनोज जी का क्या होगा? गैस का रेट इतना बढ़ा देने वाली, पेट्रोल डीजल इतना महंगा करने वाली भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता देख रही है। और मैं बताऊं आपको, भागीदारी संकल्प मोर्चा की तरह उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता ये देख रही है कि कौन सी पार्टी है, कौन गरीबों वंचितों असहायों की लड़ाई लड़ रहा है सदन से लेकर सड़क तक। अरे तो आप देख लीजिए, जहां हत्याएं माताओं बहनें की आ रही है, बेटियों के साथ दिन दहाड़े बलात्कार किया जा रहा है, बीजेपी कौन न्याय मिल रहा है? बीजेपी की घटना है, दयाराम भार्गव जी मीडिया को जो है दयाराम करके तालाब में डाल दिया जाता है। दयाराम भार्गव जी उत्तर प्रदेश में, अरे सुन तो लीजिए भाई, कुपोषित बच्चों का देश में जो है सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, अरे सवाल तो ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में 400,000 बच्चे आते हैं, आप बताइए उत्तर प्रदेश में 400,000 कुपोषित बच्चे आते हैं, किस भारतीय जनता पार्टी कौन सी ताकत की बात किया जाता है? अच्छा, ये जो कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि आपने अभी कहा कि बीजेपी शून्य हो जाएगी, इन्होंने तो आपके नेता को छोटा कह दिया भाई, वो आप कैसे जीतेंगे? इन्होंने दयाराम जी, इन्होंने ओपी राजभर को छोटा नेता और आपकी पार्टी को छोटी पार्टी कह दिया है भाई, कैसे जीतेंगे आप, कैसे पूर्ण बहुमत में आएंगे अगर बीजेपी नहीं आएगी तो? ये तो भारतीय जनता पार्टी की बदौलत विधानसभा का मुंह देख लिए, वरना आप तक कभी जमानत नहीं बचा पाए। अरे ये तो भारतीय जनता पार्टी की बदौलत अगर सत्ता में आप आ गए थे तो आपको घमंड हो गया, जनता को भूल गए कि जनता ने आपको भारतीय जनता पार्टी के नाते आपको वोट दिया था, आपकी पार्टी नहीं तो क्या ये आपके बारे में जीते हैं? 19 में आपने देख लिया अपने दम? नहीं नहीं राम निवास जी, नकार दिया जनता ने। राम निवास जी, जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि भाजपा की वजह से विधानसभा पहुंचे तो क्या आपके नहीं पहुंचेंगे? अभी इनकी जमानत जब्त होगी, इस बार विधानसभा का मुंह देखने की तो अलग बात है, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। और जो 10 लोग इनके साथ हैं वो सब जमानत जब्त वाले हैं। उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया जाता है, जनता को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। बताइए योगी सरकार अपनी, आप भी कुर्सी पर चिपके बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में जो मौतें कोविड काल में हुई उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? भारतीय जनता पार्टी को लंबी लंबी लक्ष्यदार केवल भाषण। बीजेपी कह रही है आप लोग की जमानत जब्त हो जाएगी। बीजेपी बात करिए, दयाराम जी सुन लीजिए, दयाराम जी बीजेपी कह रही है आप लोग की जमानत जब्त हो जाएगी। वो तो हमें पता है भाई, हमें इसलिए कह रहा हूँ कि 2019 में आपकी जमानत जब्त हुई ना, 2022 में आप विधायक बनने का सपना छोड़ दीजिए, क्योंकि जितने भी लोग आपके साथ हैं सब जमानत जब्त वाले लोग हैं। हमें पता है जाती हुई सरकार की छटपटाहट, हमें पता है। और अगर नहीं पता है भारतीय जनता पार्टी के देश के गृह मंत्री को ओम प्रकाश राजभर में फोन करके बात करना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री क्यों करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों फोन करते हैं? जवाब है आपके पास में, बैठ करके टीवी में बकवास करने के लिए बैठे, पहले जाके अपने बड़े बड़े नेताओं से पूछिए क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग ओम प्रकाश राजभर से बात करने की इच्छा रखते हैं? बात करते हैं
बोलने दीजिए, उनको जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। रामनिवास, रामनिवास जी जवाब दे रहे हैं दयाराम जी आपके सवाल का, क्या कहेंगे रामनिवास जी आप? देखिए तो दयाराम जी की झटपटाहट बता रही है कि दो साल तक हमारे साथ सत्ता में रहे, सत्ता की मलाई काटे, पूरा परिवार लाल बत्ती लेके घूम रहा था, आज जब सब पैदल हो गए और आदरणीय योगी जी ने उनको बाहर रास्ता दिखा दिया, क्योंकि तो हमारे दल में रहकर समाजवादी पार्टी से मिली भगत करके हमारे दल के खिलाफ काम कर रहे थे, आज हमारी लाल बत्ती को बाहर कर दिया। लाल बत्ती आप लोगों ने क्यों दे दी भाई, क्या सोच के लाल बत्ती दे दी भाई? हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़े परिवार, हमको लगा कि भाई पूरे देश में पिछड़ों का सम्मान किया जाएगा, आगे पार्टी में काम करेंगे, लेकिन फिर निकाल मिलते ही पागल गए, तो फिर निकाल दिया, सत्ता मिलते ही पागल हो गए। हमारी जिस जनता ने इनको वोट दिया उसी जनता के खिलाफ काम करने लगे, एक दूसरे के लिए 2019 में एक दूसरे के लिए मर्यादा की हैसियत देख लिया, एक दूसरे के लिए मर्यादा में लड़े थे। ये भारतीय जनता पार्टी श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का और योगी जी का, इस भारतीय जनता पार्टी का प्रताप था, तो विधानसभा में पहुंचने का अवसर मिला, वरना जीवन में कभी भी ओम प्रकाश राजभर जी विधानसभा का मुंह देख न पाते और बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का ही प्रयास था कि आपने विधानसभा का मुंह देखा, उत्तर प्रदेश के मंत्री बने, ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे मंत्री का दर्जा मिला, उनके कई परिवार के लोगों को मिला, लेकिन जब वो सत्ता में आने के बाद उन्हीं लोगों के खिलाफ चले गए तो आदरणीय योगी जी ने आपको निकाल के बाहर किया, बैंकों का पैसा लूट करके विदेश भागने वाले गुजराती। आप बताइए ना गुजरातियों के कब्जे में भारतीय जनता पार्टी हो गई है, आप बताइए उत्तर प्रदेश में राज्यपाल गुजराती, देश का प्रधानमंत्री गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, वित्त मंत्री गुजराती, देश का पैसा लूट के भागने वाले गुजराती, क्या बात करते हो? तो ये तो तब भी थे जब आप साथ में थे, किसकी आप बात कर रहे हैं? जब आप साथ आए थे, जब सर दयाराम जी जब आप साथ आए थे, आप बताइए ना, नहीं नहीं जब आप साथ आए थे तब भी केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तब भी गुजरात गुजरात की बात हो रही थी, प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला में 22,500 पिछड़ों का योगी जी ने लूट लिया नकद का, तब आप लोग कहां थे? बाधा में 13 कृषि प्रोफेसरों की भर्ती में 11 प्रोफेसरों को, अरे जवाब तो लीजिए भाई, अरे दयाराम जी, दयाराम जी जवाब और सवाल तो सुनिए, भारतीय जनता पार्टी को शरम आनी चाहिए, अरे झूठ बोलना छोड़िए, उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता के बारे में सोचिए, आज 24 करोड़ की जनता जवाब, दयाराम जी मैं आपको रोकूंगा, दयाराम जी नहीं नहीं ऑडियो डाउन करिए, इनकी ऑडियो डाउन करिए। रामनिवास जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अब ये मैं सुभाष जी के पास आता हूँ। सुभाष जी क्या चल रहा है ये सब उत्तर प्रदेश में, क्योंकि देखा अभी जैसे कि हमने चर्चा शुरू की तो आपस में ही लोग लड़ने लग गए, एक दूसरे को छोटा नीचा ये सारी चीजें दिखाने में। बीजेपी ने कहीं ना कहीं रामनिवास यादव जी जैसा कि कह रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर के पूरे परिवार को लाल बत्ती दे दी, लेकिन क्यों दे दी जब वो उन्हीं के पार्टी के हिस्सा थे, क्यों दे दी और देने के बाद उन्हें निकाल भी दिया, ये भी एक सवाल बड़ा बनता है। और जिस तरह से लगातार वो छोटी पार्टियों के लिए जैसा कि बीजेपी ने कहा कि सब शून्य हो जाएंगे, सबकी जमानत जब्त हो जाएगी, बीजेपी में आए थे तभी विधानसभा का मुंह देख पाए थे, कितना सही है ये उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए? देखिए आपके सवाल का जवाब देने से पहले नितिन जी मैं बोलना चाहता हूं कि दयाराम भार्गव जी ने जो एक बयान अभी दिया जस्ट थोड़ी देर पहले कि सारे गुजरातियों को उन्होंने कटघरे के अंदर खड़ा कर दिया, गुजरात भी हमारे देश का एक अंग है और गुजरात ने भी हमारे देश की तरक्की के अंदर अपना योगदान दिया है, तो कुछ एक गुजरातियों की वजह से पूरे गुजरात के लोगों को आपने जो टारगेट किया ये पूरी तरीके से निंदनीय है। कुछ गुजरातियों को छोड़ दी भार्गव जी आपकी बात सुनी गई थी, भार्गव जी बोलने दीजिए भाई, एक एक करके बात करिए, आप सुनिए भार्गव जी सुन लीजिए, अभी आप चिल्लाने से आप मंत्री नहीं बन जाएंगे, भार्गव जी अगर ऐसे चिल्लाने से मंत्री नहीं बन जाएंगे, आप आपकी बात सुनी गई, आप सुनिए बात दूसरे की भी, दूसरे की बात सुनेंगे कि नहीं? अरे बोलने तो दीजिए भाई, जवाब तो लीजिए, बिहार नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, अरे भार्गव जी जवाब तो लीजिए भाई, पश्चिमी बंगाल नहीं है, सबके साथ दीजिए, ये आप जवाब तो लीजिए भार्गव जी, चिल्ला के या आवेश में आके अगर आप कुछ बोलेंगे तो आपकी बातें सच नहीं हो जाएंगी, ठीक है? अपने आप बीपी को मत बढ़ाइए, तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आप अपना आपकी बारी, आपने बोला ना मुझे बोलने देंगे, वैसे झटपटाता है, मुझे बोलने देंगे आप? ये छटपटाहट क्यों दिखा रहे हैं आप? छटपटाने से क्या होगा, अखिलेश जी आपको बुला लेंगे या छटपटाने से आपको मोदी जी बुला लेंगे कि आ जाओ भैया हम गठबंधन में शामिल कर लेते हैं? चिल्लाने से और छटपटाने से कुछ नहीं होता, अपने बयान को अपनी बातों को शांतिपूर्वक और तथ्यों के साथ में रखना चाहिए, न कि इधर से उधर। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी बोलती है सबसे शून्य और नीचे पायदान के ऊपर जाएगी, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चार सालों के अंदर, साढ़े चार सालों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर क्या किया सिवाय नाम बदलने के? आज बेरोजगारों की हालत देख लो, नौजवानों को रोजगार नहीं है,
कोरोना काल की इन्होंने जो बात की थी, कोरोना के अंदर ऑक्सीजन से न जाने कितने ही लोगों की डेथ हो गई, लेकिन उसको भी सिरे से इन्होंने नकार दिया। तो भारतीय जनता पार्टी को यह भी सोचना चाहिए कि वो उनको छोटा समझ रहे हैं, वो उनको छोटा समझ रहे हैं। अत्यधिक आत्मविश्वास जो मनोज यादव जी ने दिखाया, ये समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं उन्होंने भी अत्यधिक आत्मविश्वास दिखाया, और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी बैठे हुए हैं इन्होंने भी अत्यधिक आत्मविश्वास दिखाया। और मैं समझता हूं अत्यधिक आत्मविश्वास कहीं ना कहीं घातक होता है। चलिए दोनों पार्टियां लड़ाई के अंदर शामिल है। कम है, मैं आप सबसे फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा। रामनिवास जी क्या कहेंगे, क्या तैयारियां हैं, 30 सेकंड में अपना जवाब दीजिए, और छोटे दलों को, कितने छोटे दलों को आप अपने साथ लेकर आएंगे, और क्या उम्मीद लगाई जाए 22 में आप लोगों से? भाई जो भी दल हमारी विचारधारा में विश्वास करता है, प्रदेश के विकास में विश्वास करता है और देश के विकास में विश्वास करता है, ऐसे सभी दलों का हम स्वागत करते हैं। जो भी इन तीनों चीज़ों पर खरा उतरेगा हमारी भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान कर स्वागत करेगी और उनके साथ हम लोग मिलकर लड़ेंगे, देश को आगे बढ़ाने काम करेंगे, आगे चल के निकालेंगे। अगर कोई राजभर पैदा होंगे तो उनको ये भी किया जाएगा उनके साथ। दयाराम जी 30 सेकंड है आपके पास, क्या कहना चाहेंगे, क्या तैयारियां हैं और क्या 22 में आपसे उम्मीद रखी जाए? देखिए 22 में हम 24 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश में जाएंगे, शिक्षा के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे, गैस पेट्रोल डीजल के महंगा होने के सवाल पर जाएंगे। साथ किसके जाएंगे? साथ किसके जाएंगे? किसान 9 महीने से उत्तर प्रदेश में बैठा, साथ किसके जाएंगे? उसके सवाल पे हम जाएंगे जनता में, साथ किसके जाएंगे बताने का काम करेंगे, साथ किसके जाएंगे? हमने कहा ना भागीदारी संकल्प मोर्चा, जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा उसके साथ हम जाएंगे। कौन लगता है, कौन लगता है कि हरा देगा, लगता कौन है कि हरा देगा इस वक्त? कौन सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इस वक्त कौन लग रहा है? अरे भाई समय कम है, समय कम है, इस वक्त कौन लग रहा है कि कौन हरा सकता है? देखिए मैंने कहा ना जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा भागीदारी। चलिए ठीक है, मैं मनोज जी के पास आऊंगा। ठीक है, जवाब मिल गया आपका। मनोज जी 30 सेकंड है आपके पास, आप बताइए क्या तैयारियां हैं 2022 में, हम क्या उम्मीद समाजवादी पार्टी से रखें और कितने छोटे दल आपके साथ आ रहे हैं? देखिए जितने दल हैं छोटे वो उनकी संख्या, उनकी गिनती आपको पता है, और जो आने वाले हैं वो भी आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, बड़ी यात्राएं चल रही है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में यात्राएं कर रही और हम छोटे छोटे पार्ट में कर रहे हैं। कोई बलिया से शुरू होती, कोई पीलीभीत से शुरू होती, कोई झांसी से शुरू होती, पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की यात्राएं चल रही, किसानों को लेकर, नौजवानों को लेकर, बेरोजगारों को लेकर, पिछड़ों को, दलितों को लेकर, हमें फूल मिल रहा, काली किसको मिल रही है आप लोग समझ रहे हैं, किसकी गाड़ियों पे काली चल रही है, किसको पत्थर मिल रहा है, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है। और हमारा अति आत्मविश्वास नहीं है, हमारा विश्वास है जनता को लेके, हमारे काम का विश्वास। और जो तमाम सारे विश्लेषकों के मन में अंतर कला है, उस अंतर कला को हम अभी नहीं दूर कर सकते, क्योंकि मेरी भी कुछ राजनीतिक बाध्यताएं हैं जिनको मैं अभी ओपन नहीं कर सकता। लेकिन आपके मन में अंतर कला उठना, ये बात स्वाभाविकता दिखाता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक विश्लेषक भी उस बात को ना तो अब तक पकड़ पाए हैं समझ पाए। चलिए इसके लिए मैं उन्हीं से जवाब लेता हूं, कूटनीति को बेहतर समझ, कम समय है मनोज जी, मैं उन्हीं से जवाब लेता हूं। क्यों सुभाष जी आप लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं सपा की जो रणनीति है उसको? मनोज जी आप जो बोल रहे हैं कि मेरे मन के अंदर जो अंतःकरण चल रही है और जिसे मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं, पकड़ तो मैं खूब पा रहा हूं, जिस तरह का आप सार्वजनिक मन से इस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं ना, उसी प्रकार मैं भी नहीं बोल पा रहा हूं। अगर आप सार्वजनिक मन से स्वीकार कर लें इसी चैनल के माध्यम से, तो मैं भी स्वीकार करके आपको बता दूंगा आप लोगों के मन में क्या चल रहा है। आपकी राजनीतिक मजबूरियां हैं, मेरी कोई राजनीतिक मजबूरियां नहीं है। क्या चल आप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए क्या चल रहा है? क्यों अपनी स्ट्रेटेजी को ओपन करेंगे भाई, क्यों ओपन करेंगे? नहीं हमने तो आपको बोला नहीं, अपने काम से अपनी स्पीड से चल रहा है। देखिए आपने तो पहले तो सीधे सीधे मेरे सवाल को वैसे आपने नकार दिया। रावण साथ रहो, नहीं नहीं नहीं, आपने कहा अति आत्मविश्वास में समाजवादी पार्टी, बोल तो रहा हूँ मैं अभी भी, बिल्कुल नहीं। समाजवादी पार्टी अपनी कूटनीतिक पूरी तरीके से जो अपना मनोज जी माना कि एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, माना कि एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, माना कि सत्ता के विरोधी लहर चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जाति समीकरण को, उत्तर प्रदेश की छोटी पार्टियों को भी समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, बहुत जरूरी है। आप बोलते हैं उनके लिए दरवाजे खुले, वो बोलते हैं उनके लिए दरवाजे खुले हुए, लेकिन सही मायनों में आगे बढ़ के गले कोई लगा नहीं रहा है। लड़ना रहेगा तो सेंसिटिव मुद्दों को लेकर लड़ना रहेगा, जमीनी मुद्दों को लेकर लड़ना रहेगा, सिर्फ एसी कार्यालय के अंदर से
बैठने से लड़ाई नहीं लड़ी। चलिए अच्छा, समय कम है, फिर हम फिर किसी दिन आप लोग को आमंत्रित करके इस विषय पर चर्चा करेंगे। मनोज जी और बाकी रामनिवास जी, सुभाष चंद्र जी, दयाराम भार्गव जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण विषय पर इस तरह से चर्चा जो आप लोगों ने की है। लेकिन बहनों भाई, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो इस वक्त राजनीतिक परिवेश बना हुआ है, ये अपने में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जिस तरह से छोटी पार्टियां उत्तर प्रदेश में लगातार आती जा रही है, अब जेडीयू भी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने ये कहा कि हम उत्तर प्रदेश में आकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ऐसे जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में पार्टियों की संख्या बढ़ती जा रही है, उनकी दावेदारी कितनी मजबूत होगी, वो किसके साथ जाएंगे और सरकार बनाने में उनकी कितनी भागीदारी होगी, और भागीदारी बनने के बाद किस तरह से किस रोल में उन्हें रखा जाएगा, ये देखना सबसे अहम होगा। क्योंकि ये वही पार्टियां हैं जो जात के नाम पर, जो क्षेत्र के नाम पर, जो समस्याओं के नाम पर जनता से वोट उनके घर घर जाकर मांगती हैं, लेकिन उसके बाद जब वो सत्ता में आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं भूल जाती हैं, और बाद में वो स्टेट की या सेंट्रल की पार्टीज बन जाती हैं और जनता से उनका मोहभंग हो जाता है। तो देखना होगा कि 2022 के चुनाव में ये छोटी पार्टियां कितना अहम रोल निभाती हैं। तो आज की डिबेट में इतना ही। नमस्कार।